अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज आपकी बहन थी बहुत ज़्यादा बिजी क्योंकि आज है घर में दावत मेरे अम्मी वालों की। तो ये देखिए मैंने बनाई है खीर। यार ये खीर चेक करें, मैंने फ्रिज में रख दी थी। इसकी प्रेजेंटेशन मैं आपको कैसे दिखाऊं, जब निकालूंगी तो दिखाऊंगी। और ये है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्रिज, और मैं इसका जल्दी आप लोगों को रिव्यू दूँगी। मुझसे एक दो बहनें पूछ भी नहीं थी अपने फ्रिज के मुतालिक बताएं, तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ मैंने बनाई है बकरे की यखनी, अभी कढ़ाई बनेगी इसकी। और ये लाइट चेक करें यार, अच्छी लग रही है ना। अच्छा जी, यहाँ मैंने बीफ बिरयानी के लिए मसाला बना के रख दिया सब। यहाँ चावल भिगोए हुए हैं, अभी हमने बिरयानी स्टार्ट करनी है। और ये मैंने जो बोला था ना, मैंने पारचों पे मसाला लगा के रखा हुआ है, तो ये देखें बोटी और पारचों पे मसाला लगा के रखा हुआ है, अभी बारबेक्यू भी बनेगा। यहाँ मैंने बकरे की यखनी बना के रख ली है गोश्त की, क्योंकि इसकी अभी मटन कढ़ाई बननी है। तो मैंने पहले यखनी बनाती हूँ, उसके बाद इसमें मसाले टमाटर वगैरह डालती हूँ, तो बहुत मज़ेदार कढ़ाई तैयार होती है। ये पूरा किचन साफ सुथरा बनना है। लाउंज को अभी दोबारा से समेटना है, अभी घर को दोबारा से समेटना है। और बज रहे हैं रात के 8:15, और थोड़ी देर में सब मेहमान भी आ जाएंगे। पूरा ब्लॉग पूरे में दावत वगैरह सब दिखाऊंगी। सो जी गाइज, यहाँ पे चावल उबल रहे हैं, अभी बिरयानी के मसाले के लिए मैं चावल उबाल रही हूँ, मुझे बिरयानी रेडी करने के लिए। और ये मैंने अभी यहाँ पे सैलेड बना के रखा है, अभी रायता भी बनाना है। और जी गाइज, ये मैंने अब रख दी है दम पर बिरयानी, और इंशाल्लाह अभी आधे घंटे के अंदर रेडी हो जाएगी फुल। और अभी बननी है कढ़ाई, वो मेरे हस्बैंड बनाएंगे, तो वो अभी आएंगे तो वो बनाएंगे बकरे की कढ़ाई। हाँ जी, तो यहाँ पर अब मेरे मियाँ लगा रहे थे कबाबों को, वो सीखों में परो रहे थे ना। और यहाँ पर हम आग लगा रहे थे, कोयलों को आग लगा रहे थे, घर में आग नहीं लगा रहे थे। और यहाँ पर बकरे की कढ़ाई भी, मटन कढ़ाई तैयार हो गई थी, बिरयानी भी रेडी हो गई थी, कबाबों को सीखों पर रखा, सीखों पर परो के बारबेक्यू किया जा रहा था। और जल्दी जल्दी क्योंकि मेहमान सारे आ चुके थे, और बस यही लास्ट स्टेप था हम लोगों का खाने का, मेन्यू का, कि इसको रेडी करके फिर हमने खाना लगा देना था। मैंने थोड़ा बहुत लगा दिया था भूख को बढ़ाने के लिए इन लोगों की। खैर, यहाँ पर कबाब भी रेडी होते चले जा रहे थे, जैसे ही सारा हॉटपॉट भर गया था तो फिर मैं ले गई थी, बिरयानी भी सर्व कर दी थी मैंने, और सारा खाना हमने सर्व कर दिया था। ये बीफ बिरयानी बनाई थी मैंने, आप लोगों को ब्लॉग के शुरू में बताया है। यहाँ कबाब बिहारी और सीख कबाब रेडी हो गए हैं, मटन कढ़ाई, बिरयानी, चपातियाँ, ये सब रेडी हो गया। हमने खाना लगा दिया था, फिर मैंने इशारा कर दिया था आ जाओ खा लो खाना। और आपको पता है फिर ईद की दावत और लोग खाने पर ना टूट, ऐसा नहीं होता। ये मैंने खीर बनाई थी, मैंने चलो प्रेजेंटेशन आपको दिखा दूँ। खीर बहुत यम्मी, बहुत मज़े की बनी थी, और यूँ ही चट हो गई थी। खैर, ये खाना खा लिया गया है, अब सब उठ रहे हैं, और फिर आप किचन का हाल देखें। किचन यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ था, और फिर आपकी बहन ने किचन अपनी बहन के साथ मिलकर समेटा, क्योंकि मेड ने सुबह आना था, तो जितना मैं समेट सकती थी मैं समेटा। थोड़ा बहुत मेड के लिए मैंने छोड़ दिया था, यहाँ हमने किचन सारा समेट दिया था। ये चुटकी बजा के नहीं समेटता, वैसे समेटता है, काम सारा करना पड़ता है। एनीवे, आई होप मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट